एक नहर का पुल इस कदर तंग था कि एक साथ दो बकरियों का गुजर नामुमकिन था। एक दिन एक बकरी उस पुल पर जा रही थी। पुल के बीच में पहुंचकर उसे एक और बकरी मिली। पहली बकरी दूसरी बकरी से कहने लगी, तुम वापस चली जाओ ताकि पहले मैं पुल को पार कर लूं, उसके बाद तुम आ जाना। दूसरी बकरी बोली, वाह भाई वाह, मैं भला क्यों वापस चली जाऊं? तुम ही वापस क्यों नहीं चली जाती? और हाँ, पहले मुझे गुजर जाने दो। पहली बकरी ने अकड़ के जवाब दिया, तुम्हें वापस जाना पड़ेगा क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। दूसरी बकरी ने कहा, ज्यादा तो क्या, तुम तो मेरे बराबर भी नहीं हो। पहली बकरी को ये सुनकर गुस्सा आ गया, झुंझला कर बोली, अच्छा इसका पता अभी लग जाएगा। ये कहकर उसने लड़ने के लिए अपने सींग नीचे झुका लिए। और फिर दूसरी बकरी ने उसे रोकते हुए कहा, ठहरो ठहरो, देखो लड़ने से कोई फायदा नहीं, अगर हम लड़ेंगे तो दोनों नहर में गिरकर डूब जाएंगे। मेरी समझ में एक तरकीब आई है, मैं पुल पर लेट जाती हूँ, तुम मेरे ऊपर से गुजर जाओ। ये कहकर दूसरी बकरी पुल पर लेट गई और पहली बकरी आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर से गुजर गई। उसके बाद दूसरी बकरी भी आराम से पुल पार कर गई। प्यारे मदनी मुन्नो, देखा आपने, अगर ये बकरियां लड़ने लगती तो इनमें से किसी की भी जान नहीं बचती। सबक, सच ये है कि जो काम गुस्से से नहीं होता वो नरमी से हो जाता है। फरमान मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम, उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदतुना आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा से इरशाद फरमाया, जिस शख्स को नरमी से हिस्सा मिला उसे दुनिया व आखिरत की भलाई से हिस्सा मिला, और जो शख्स नरमी से महरूम रहा वो दुनिया व आखिरत की भलाई से महरूम रहा।